गाजीपुर से महताब आलम पत्रकार की रिपोर्ट, 3 करोड़ की हीरोइन संग 4 गिरफ्तार। खबर गाजीपुर से है, जहां आज पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्मगलरों के सरगना जेपी जैनेन्द्र प्रताप उर्फ मुन्ना को उसके 3 सहयोगियों और 15 किलो से ज्यादा की हेरोइन और वाहनों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने गिरफ्तार अभियुक्तों को बरामद माल के साथ मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि अभियुक्त जैनेन्द्र प्रताप उर्फ मुन्ना मास्टर माइंड है और 2014 से इस धंधे में लिप्त है। ये लोग आसाम से लेकर कई प्रांतों में हीरोइन बनाने और बेचने का काम गैंग बनाकर करते थे। मास्टर माइंड जैनेन्द्र प्रताप के साथ विनय उर्फ बिट्टी प्रेमचंद भारती गाजीपुर जनपद के रहने वाले हैं, जबकि अभियुक्त अमित कुमार उर्फ सोनू जफराबाद जौनपुर का रहने वाला है। इनके पास से 15 किलो तैयार माल और क्रूड ऑयल बरामद हुआ है। इन सभी के ऊपर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। किस तरह की कामयाबी है और क्या कहेंगे सर? आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें 4 जो ड्रग के तस्कर हैं और बड़ी मात्रा में ये हीरोइन सप्लाई करते हैं, पकड़े गए हैं। इनके पास से 3 किलो कच्चा माल मिला है और 15 किलो केमिकल मिला है जिससे बनाते थे, और सारा इसका सामान भी मिला हुआ है। इनके पास से 2 गाड़ियां भी मिली हैं, जो इस गैंग का लीडर है उसी के नाम है, उसकी एक पत्नी के नाम है, एक जाइलो कार है, एक स्विफ्ट डिजायर है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 3 करोड़ से ऊपर ही होगी इसकी, और 2 गाड़ियां और ये 4 मुलजिम पकड़े गए हैं। सर किस तरह से धंधा करते थे, कब से ये लोग लिप्त रहे? ये अभी तक की जो जांच में निकला है कि ये इसका जो मेन सरगना है जैनेन्द्र, ये 2014 से इस धंधे में था। 2015 में ये इसी जनपद से जेल गया था और करीब 22 महीने जेल रहा है। उसके बाद से फिर निकल कर ये धंधा कर रहा था। हाँ देखिए, इसने 2014 से जब इस धंधे में था तो इसने बहुत सारा पैसा कमाया है, और ये हमेशा फ्लाइट से आता जाता था। अपने लोगों को जो माल था वो बस से ले आते थे, आसाम से बस से चलते थे, और करीब 4 दिन लगते थे इनको यहाँ पहुँचने में। ये पूरी सावधानी बरतते थे। इनका कहना है कि साहब बस में चेकिंग नहीं होती है, अगर हम ट्रेन से आएंगे तो ट्रेन में माल हमारा पकड़ा जा सकता है। और ये कई बार लोकल बसों का प्रयोग करते हैं, मेन रूट की बहुत बड़ी बसों का भी नहीं प्रयोग करते हैं, जहाँ इनको तनी भी संभावना रहती है कि वहाँ ये चेकिंग में पकड़े जाएंगे। इन सबसे बचते बचाते हुए ये इतने दिनों से धंधा कर रहे थे। मामले में कितने लोग संलिप्त हो सकते हैं? अभी देखिए, मामले में तो काफ़ी लोग संलिप्त हो सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क है और जितनी दूरी है कि आसाम से लेके यहाँ गाजीपुर तक और फिर मध्य प्रदेश की सप्लाई है, तो इसमें काफ़ी लोग हो सकते हैं। अपराधी ने क्या संलिप्त? इसमें से केवल 2 का ही अपराधी किसी हाथ है, जो जेल गए हैं और 22 महीने रहे हैं। बाकी तो अभी अब पता करेंगे कि किसका कितना क्रिमिनल हिस्ट्री है। धन्यवाद।